देश भर में कांग्रेस द्वारा चलाए गए शक्ति प्रोजेक्ट के तहत ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक कर इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारियां दी गई। अलवर शहर के दोनों ब्लॉक सहित अलवर ग्राम में विधानसभा और किशनगढ़ में कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया है कि आम जन को कांग्रेस की विचारधाराओं से अवगत कराए जाने तथा ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के सदस्य बनाए जाए। प्रोजेक्ट शक्ति द्वारा कांग्रेस आम जन को अपनी विचारधारा से अवगत कराना चाहती है, साथ ही कांग्रेस से लोग सीधे जुड़े और सदस्यता भी ग्रहण करें। यह अभियान आने वाले विधानसभा चुनाव और 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव का लक्ष्य मानकर शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में अलवर कांग्रेस कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष सीएल जाजौरिया, महिला कांग्रेस प्रदेश महासचिव डॉक्टर पुष्पा गुप्ता सहित अनेकों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चर्चा की। अपनी एक बैठक रखी है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि शहर में और पूरे भारत में हम कांग्रेस परिवार को बड़ा करने के लिए हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने एक प्रोजेक्ट दिया है जिसका नाम शक्ति प्रोजेक्ट रखा गया है, और उसके तहत हम अपने इस परिवार को आम जन तक ले जा रहे हैं। जो कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं वो अपना वोटर आईडी और जो एक स्पेशल नंबर दिया गया है उसको डालकर वो कांग्रेस से जुड़ सकते हैं। इसका प्रचार प्रसार हमारे आम कार्यकर्ता हम सब मिलकर करेंगे। उसी के संदर्भ में ये मीटिंग का आयोजन किया गया है कि हम किस तरह से अपने कांग्रेस परिवार को बढ़ाएं और आम जन तक अपनी भावनाओं को पहुंचाएं, ये हमारा उद्देश्य है। वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा में भी पूर्व विधायक टीकाराम जूली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। किशनगढ़ वास में संजीव बारेठ की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया जिसमें पद्मश्री सूर्यदेव बारेठ, जिला प्रमुख रेखा राजू यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राजस्थान में दो लोकसभा और एक विधानसभा के उपचुनाव जीतने के बाद अब कांग्रेस ने अपनी आगे की रणनीति के तहत आगामी चुनावों को देखते हुए शक्ति प्रोजेक्ट की शुरुआत की है।